गीता, गीता बेटा, गीता क्या हो गया? गीता बेटा, गीता, गीता बेटा, अंकल जी डरने की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। बाकी थोड़ा ध्यान रखो कि काम कम करें, क्योंकि इसको आराम की जरूरत है। सुन ले गीता बेटा, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, अब काम का हाथ न लगाइए, लेटी रहिए, आराम कर। और गीता तुम घबराओ मत, अपना ख्याल रखो, ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है अंकल जी, अब मैं चलता हूँ। अरे अरे, खाना तो खाते जाना। अरे नहीं नहीं आंटी जी, फिर कभी। अरे गीता बेटा आ जा, देर हो रही है। आ गया बेटा, चल चले। अब कहाँ चले? गीता के टिक्का लगवा के लाऊं? अच्छा तू एक काम कर, जा तू लगवा ला। मैं क्यों जाऊं, आप ही जाओ। गीता बेटा तू बैठ। बाबूजी टीका रहने दो। कैसे रहन दूं, जच्चार बच्चा के लिए टीका लगना बहुत जरूरी, इनकी तो आदत है, इन्हें कहन दे। चल बैठ, टीका लगवाना बहुत जरूरी, बैठ जा बेटा। आराम से तो बैठा बेटा। देख रहे हो गांव में क्या चल रहा है, बुड्ढे पे ज्यादा जवानी आ रही है, शादी शुदा है, अपनी उम्र नहीं देख रहा, एक लड़की जवान घर में बिठा रखी है, बेचारी नीरजा रो रही थी। चाचा राम राम। राम राम फुल्ले, राम राम, ठीक भी है भाई? हाँ चाचा मैं ठीक हूँ। अरे थर ते एक बात करनी थी। अच्छा क्या बात करनी थी, बता भाई क्या बात है? चाचा तुम ठीक भी हो? हाँ भाई ठीक हूँ, तू बता। मैं न्यू कह रहा था, ये तुम गांव में क्या गुल खिलान लग रहे हो? गुल खिलान लग रहा मतलब? ज्यादा शाणे मत ना बनो, सारे गांव को पता थारे बारे में, पर वह जो जवान लड़की तुमने अपने घर में रखी हुई है ना, यार ठीक बात ना है। फुल्ले मैं तो तुझे घना समझदार आदमी मानू था, पर तू भी ऐसा ही निकला। अरे वाह मेरी बेटी जैसी है, बीमार है, मुसीबत में है। पर एक बात बताऊं, यह बात तुमने कह दी तो छोड़ रहा, कोई और कह देता ना गर्दन तार लेता उसकी, समझ गया? अरे चाचा तुम तो नहीं कह करो, हमारी बात तो तुम्हें बुरी लग रही है, चलो कोई बात ना। अरे, जाओ इल्ला कर अपना, बात बना रहा है। अरे डॉक्टर साहब आप बैठिए ना। हा? मैं पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं पानी नहीं, आप बैठो। और तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। गीता एक बात बताओ, तुम इतनी चुपचाप क्यों रहते हो, हंसा बोला करो, और अगर किसी और को नहीं बता सकते तो मुझे तो बता ही सकती हो, बताओ क्या बात है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। गीता तुम इतनी अच्छी हो, इतनी सुंदर हो, अपना ख्याल रखा करो, अपने आप को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर तुम इतनी परेशान रहोगे तो होने वाले बच्चे पे भी तो इसका असर पड़ेगा ना, और तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो ये मेरा नंबर है, तुम मुझे फ़ोन भी कर सकती हो। ठीक है गीता,
मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखो। उससे पैसे भी लेकर आने उठा के। अच्छा जी, हाँ। चाचा राम राम। राम राम। राम राम भाई। इस आदमी ने भी अपनी जिंदगी खराब करवा रखी है। जब से इसने अपने घर में उस छोरी को रखा ना, तब से सारा गांव इसकी बदनामी कर रहा है। अरे उसकी घरवाली भी कह रही है तू इस लड़की को लिकाड़ क्यों ना देता, लेकिन मानने को तैयार नहीं। पूरे गाँव में थू धो रखी है इसकी। पर अरे उससे पैसे लेके आने थे, फिर चलना साथ में? नहीं चलना। चलो। हाँ चल फिर। चल। देख लो ये लोग किसी किसी बात बना लाग रहे गांव में। मन तो बहुत घनी शरमान लागी, सारे गांव में कति बदनाम करके दर दिए। अरे लोगों की बात सुनक रहे हैं क्या? इन लोगों ने तो सीता भी बदनाम कर दी थी। तो राम ने भी तो इनके डर से सीता को छोड़ दिया था। तो राम की उस बात को दुनिया गलत मानने की नहीं मानती? अरे छोड़िया मामा, इसे बाल बच्चा हो जान दे। मन ने तो ना लगता कि आप इसने छोड़ा होगे। क्यों बकान लाग रहे हो? जब छोड़ गानी होती ना तो इसने घर ना लाते, उड़े ते छोड़ आते। अरे रखोगे आप इसने सारी आना? ज्यादा तो बोल लेना, बाल बच्चा हो जान दे। छोड़ी अम्मा, छोड़ी अम्मा, छोड़ी अम्मा।
घंटे काम करती रहे, आराम भी कर लिया कर। कुछ गड़बड़ होगी ना तो मुसीबत आ जाएगी। जा बैठ जा। ना बाबूजी मैं ठीक हूँ। जा बेटा, मैं कह रहा बैठ जा। जा मेरा बेटा। ले बेटा पानी पी। क्या हो रहा है यो? मतलब? अच्छा, ये मतलब भी मैं बताऊंगी। सारी दुनिया नुए कहा करती, पर मन्ने सबकी बात झूठ मानी। पर आज मैंने सब अपनी आँखें देख लिया। आँखें तो देख लिया, ऐसा क्या देख लिया अपनी आँखें तो तेने? ना ना, कुछ ना देखा। बेटा रोए ना, तेरी माँ दिल की बुरी ना है, बस जवान की थोड़ी सी कड़वी। तुझे पता मैं इससे डरता ना बिल्कुल भी। इससे लव मैरिज करी थी मैंने, हरियाणा से लाया था इसे, समझ गई? रोए ना तू, सब ठीक हो जाएगा, रोए ना। गीता, गीता, गीता बेटा, गीता बेटा, गीता, 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 गीता। गीता, गीता, कबूतरी तू यहां घूम रही और मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। चल मेरे साथ। कमीने, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू आज मरेगा मेरे हाथों से। तूने मुझे वहां भी नहीं जीने दिया। अब भी तू मेरे पीछे पड़ा है। देख गीता, मेरी बात मान जा। गीता मान जा मेरी बात। मैं कह रहा हूं गीता भी मेरे गीता, गीता,
गीता, गीता बेटा, गीता गीता बेटा, गीता गीता बेटा, ये सब क्या कर रहा है बेटा तू? ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं बाबूजी, मैं और नहीं जीना चाहती, आपको और परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मुझे आपकी बदनामी नहीं देगी जाती। बेटा जो तू इतना जानती है ना, इतना समझती है, अगर इतनी बदनामी के बाद भी मैं तुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दूँ ना, तो इस दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे मैं इस दुनिया को बताऊंगा कि तू मेरी बेटी की तरह थी? बेटा अगर तूने कुछ कर लिया ना, तो मेरी बदनामी निश्चित है, फिर मेरे माथे से कलंक का झूठा टीका मिट नहीं सकता। बदनामी का ही तो डर है बाबूजी, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरी वजह से लोग आप पर उंगलियां उठाएं, बाप बेटे के पवित्र रिश्ते को बदनाम करें, आपके घर संसार में कलह हो। बेटा इस दुनिया से मैं बिल्कुल नहीं डरता, इस कलहले को भी मैं देख लूंगा, पर जिसे मैंने अपनी बेटी की तरह माना है ना, उसे मैं मरने के लिए अकेला कैसे छोड़ दूं? बेटा अगर तुझे कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। अरे इतने बड़े बोझ को लेकर मैं कैसे जीऊंगा? बेटा मैं तेरा बाप की तरह हूं ना, बाप नहीं हूं ना, इसलिए ही तो तू मेरी बात नहीं सुन रही। जा, जो तुझे करना था कर ले। बाबूजी मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। चल बेटा। क्या क्या हुआ बेटा? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हेलो डॉक्टर, मरीज का नाम गीता, पति का नाम आप पिताजी का ही लिख दीजिए। नहीं, बच्चे के पिताजी का नाम बताओ। नर्स, बच्चे के पिता का नाम जरूरी नहीं है, ये इनके पिताजी जैसे हैं तो आप इन्हीं का नाम लिख लो। ओके सर, आपका नाम अंकल? सतीश चौधरी। अरे ये फोन किसका आ गया? निर्जा मुझे टाइम लगेगा आने में, तुम एक काम करना, एसडी मेडिकल पे गाड़ी भेज देना, आके बता दूंगा। ठीक है। आजा बेटा। मैं तो पहले ही जानती थी ये माजरा क्या है। ऐसी क्या बात होगी? जब ये चली गई थी तो वापस लेकर क्यों आए? हाँ हाँ, तुम्हारा तो मन नहीं लगता ना इसके बिना। बर्दाश्त की भी हद हो है। अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि बोलती चली जाएगी। एकली मैं ना बोलती, सारी दुनिया बोल रहा है। माना मैं पागल हूँ, पर इतनी भी पागल ना हूँ। और तू जब चली गई थी तो वापिस के कर आई? मर जाती की तरह जाके
जी ने आराम कर दिया हमारा। निर्जा, अरे किसी करीम मजलूम की बद्दुआएं नहीं लिया करते, ईश्वर से डर ले। हाँ हाँ, इतनी दया है ना, तो एक अनाथालय खोल कर बैठ जा। और क्या क्या काम रहेगा हमने? बेटा, बेटा, रोए ना, बच्चे रोए ना, है ना? अब तू अकेली नहीं है, समझ गई? उस बच्चे का भी ख्याल कर ले और अपना भी ख्याल कर ले। रोए ना, मैं तेरे लिए कुछ लेके आऊं। Ah!
बेटा बस यहीं पहुंचने वाले हैं, देख ले। रोए ना बेटा। बेटा आराम से बैठ, मैं भी आया। अरे व्हीलचेयर लेके आओ यार, जल्दी जल्दी। आराम से बैठ। आराम से आराम से ले जाएगी भाई। बेटा तो अस्पताल आ गया आराम से। बब्बा जी लड़का हुआ है, 11,000 रुपए लूंगी। बेटा गीता कैसी है? जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। बेटा 11,000 रुपए दूंगा तुझे, 11,000 रुपए दूंगा। खुश रहे बेटा, खुश रहे। ठीक है। अंकल जी आपको तो पता ही है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। गीता अच्छी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। बेटा इससे तो बढ़िया बात कुछ नहीं है, पर एक माँ से उसके बच्चे को अलग करने का पाप मैं नहीं कर सकता। किसने कहा कि माँ और बेटे को अलग करना है, बल्कि मैं तो माँ और बेटे दोनों को अपनाना चाहता हूँ। बेटा पर तू इतना पढ़ा लिखा और गीता वह तो अनपढ़ है। अंकल जी मुझे बीवी चाहिए, अकाउंटेंट नहीं। बेटा अगर यह बात है ना तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। गीता को इतना बढ़िया घर मिल जाएगा, उसके बच्चे की भी परवरिश ठीक ठाक हो जाएगी और तेरे जैसा पति पाके तो वह धन्य हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं उसका ख्याल रखूंगा। बेटा अगर ऐसी बात है ना तो गीता का कन्यादान मैं करूँगा। अगर आपका आशीर्वाद मिले तो मैं कोर्ट या मंदिर में भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। ना बेटा ना, गीता का ब्याह होगा परंपरागत तरीके से होगा और उसका कन्यादान सतीश चौधरी बाप बन के करेगा। तो एक काम कर, ब्याह की तैयारी कर। धन्यवाद अंकल जी, आपने मेरी भावनाओं को समझा। जीता रहे बेटा। बेटा गीता मेरी बात समझने की कोशिश करना, कैसे जिएगी बेटा जी लंबी जिंदगी। बाबूजी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकती। गीता बेटा मेरी बात समझने की कोशिश तो कर, ये पहाड़ सी जिंदगी कैसे जिएगी बेटा, तू बहुत लंबी जिंदगी है तेरी बेटा। बाबूजी मैं इस बच्चे के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी, मैं कहीं भी चली जाऊंगी पर मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा अरे अपना नहीं सोचती इस बच्चे का तो सोच ले, जब ये बड़ा होके तेरे से पूछेगा मेरा बाप कौन है तो क्या जवाब देगी बेटा, और जमाना भी 10 बार तेरे से पूछेगा, 10 मुसीबत खड़ी करेगा। नहीं बाबूजी उससे ये नहीं हो पाएगा। देखो गीता मुझे तुम्हारे पिछले जीवन से कोई मतलब नहीं, हाँ इतना जरूर कहूंगा इस बच्चे की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा, इसको खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा बड़ा आदमी बनाऊंगा, आज से हम एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। बेटा विक्की को मैंने गोद में खिलाया, बहुत अच्छा है यो, तुझे
तुझे बहुत खुश रखेगा, बहुत अच्छी तरह से रखेगा। मैं तुझे बेटी मानू, तेरा बुरा सोचूंगा क्या? रब तू माँ है, माँ की तरह सोच। बेटा को जिस बालक के लिए सोच ले। गीता बेटा, अपने बाबूजी की बात नहीं मानने की है? मान जा बेटा, मान जा बेटा। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहेंगे मैं तैयार हूँ। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। आराम से दरवाजा बंद कर दे बेटा। चल आराम से। आ जा बेटा, आ जा, आराम से। जाओ भाई रुक जाओ, इतना भी किसी के घर का तमाशा ना बनाया करते। आजा बेटा, बैठ जा, लेट जा। अरे 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 मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, ओह ले बेटा, अरे आराम कर। कितने दिन रखोगे इसको यहाँ? क्या? मैं ये पूछ रही हूँ, इसको यहाँ कितने दिन तक रखोगे? बस कुछ दिन और। फिर? फिर क्या? डॉक्टर विक्की है ना, उसने गीता की घर में भी बहुत देखभाल की और अस्पताल में भी बहुत देखभाल की। डॉक्टर विक्की गीता को और इसके बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है। वो इससे ब्याह करना चाह रहा है और मैंने भी एक फैसला कर लिया, गीता का कन्यादान मैं बाप बन के करूंगा। मैंने आपको क्या समझा और आप क्या निकले? कितनी बड़ी भूल थी मेरी, जन सब के बहकावे में आकर मैंने आप जैसे देवता इंसान पर शक किया। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी भूल हो गई। मैं आज आपसे नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रही। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। निर्जा, ए निर्जा, कैसी बात कर रही है? मुझे रुलाएगी क्या? अरे तेरी जगह अगर मैं भी होता ना, मुझे भी शक हो जाता। ये वक्त की चोट थी, वक्त ने इस पे मरहम लगाया। चल खड़ी हो, खड़ी हो जा, बैठ जा, बैठ, देली ना हो। मुझे माफ कर दो चाचा। क्या हुआ फिरू? मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई चाचा, एक देवता जैसे इंसान को। मैं कितना गलत सोच रहा था, लेकिन वो देवता है। सारा गांव आपके बारे में इतना गलत गलत सोचता रहा चाचा, लेकिन आप गलत नहीं थे। एक अनजान लड़की को आपने अपने घर में रख के एक ऐसी मिसाल कायम की है।
चीज का कोई तोड़ नहीं। कोई अपनी औलाद को भी इतना प्यार नहीं देता चाचा जितना आपने एक पराई लड़की को दिया। बेटा रुआवेगा ही क्या? बहुत बड़ी गलती हो गई चाचा। कोई नहीं फेरू, कोई नहीं बेटा, हो जा। उन गांव वालों के बहकावे में आके मैं भी वैसा ही हो गया। कोई नहीं फेरू, आपने जो कर दिया ना चाचा, इस पूरे गांव में कोई नहीं कर सकता। आप इंसान की शक्ल में एक देवता हो। बेटा बहू बेटी जो हो ना, ये साझे की हो, सबकी हो, इन पे उंगली उठाना आसान है और उनका सहारा बनना बहुत मुश्किल। बेटा जिंदगी लगती है इज्जत कमाने में, और लोगों को एक पल नहीं लगता उस इज्जत की चीथड़े उड़ाने में, धज्जियां उड़ाने में, उसकी इज्जत को तार तार करने में। अरे वो फूल सी बच्ची किन स्थिति परिस्थितियों में आई, किसी ने नहीं सोचा। अगर मैं भी उसका सहारा ना बनता ना, तो वो भी कहीं रेल की पटरी पे कटी हुई दिखाई देती, या कहीं नदी में डूब के आत्महत्या कर लेती। अरे हम किसी की जान लेने की कोशिश क्यों करते हैं, क्यों ताने मारते हैं, क्यों किसी को जलील करते हैं? हमें जान लेने वाला नहीं, जान बचाने वाला बनना चाहिए। उले जान बचाने वाला बनना चाहिए। कोई बात नहीं, बैठ भी जाया कर थोड़ी गेनी बार लोटी दे। ताऊ राम राम। ताई राम राम। राम राम बेटा, राम राम। राम राम अमर आलिया भाई। हाँ जी, पर ताई का क्या हो गया? तेरी ताई का भाई लखवा मार गया और मैं भी बस तुनुमान मर के ही बचा। बैठ जा बेटा। और कैसी रही भाई तेरी ट्रेनिंग? बहुत बढ़िया रही जी, मैं देखो कितना फिट हो गया। वह गीता दिखाई ना दे रही। गीता की के बताऊं भाई, काम था गीता था कुछ? हाँ वो मैं उसे पसंद करूं और उससे शादी करना चाहूं। शादी गीता से? हाँ। पर हम तो नूर सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे तुम? बस सोच तो हम नूर रहे थे और अपनी रीना का ब्याह तेरी गल कर। गीता से तो गणी सुतरी हमारी छोरी। यह तो बात थारी सही है, पर अपनी अपनी पसंद भी तो हो। पसंद की बात कर रहा, जो गीता की सुनेगा ना तो पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? अब के बताऊं तुझे, पता ना कहां मुंह काला करवा के आई थी, पेट में बालक ले रही थी वह, और जो हमने पूछी तो कुछ ना बताई, फिर पता ना कहां भाग गई। बस उस दिन तनु नहीं पता कहां गई कहां नहीं, हम भी बस बिरानी आज दिन। अरे की बात हुई अमर, सुन तो। अरे बैठ जा, चाय पानी पी के जाइए, बहुत दिन में आया था। और वह हीरो बहुत दूर से दिखाई नहीं दिया तू? अरे यार मैं अपनी ट्रेनिंग पे जा रहा था, मैं आज ही आया हूँ। दमदार भाई, मैंने बताया ना था कि अमर भाई के बारे में थार को? अरे हाँ, ये तो हमसे पूछ कर ही तो गया था, पर वो गीता कहाँ है? गीता कहाँ है? गीता के बारे में ही तो मैं पता करना आया। मतलब गीता तेरी गैल नहीं थी? नहीं, मेरी गैल कैसे चली जाएगी भाई, मैं तो ट्रेनिंग पे गया था, अब उसके बारे में ही पता करना आया, पर वह तो यहाँ है ही नहीं। अरे यार ये तो गड़बड़ होगी भाई, मैं तो नू समझ गया था कि गीता तेरे द्वारा चली गई होगी, नहीं तो मैं अभी तक पता ना लगा लेती दीदी का। तो अब क्या करें, अब कहाँ ढूंढे उसे? हम ढूंढेंगे उसे, हम तेरी गैल है, गीता चाहे कहीं भी मिलियो, धरती आकाश पताल, मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा, दमदार जो हूँ। तो ठीक है भाई, मैं घर मिली हूँ और अपना सामान रखे हूँ, और आज तो ही बस इसी काम में लगेंगे। हाँ जल्दी रख क्या मेरे भाई। ठीक है, अब हम भी तेरे साथ ही रहेंगे। हाँ। चल। अरे अमर बेटा, अरे बेटा अमर, तू माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते।
अरे बेटा तू तो बहुत दुबला पतला हो गया। के बात बेटा, फौज में खाने ना मिला करता के। दुबला पतला ना हुआ है, फिट हो गया फिट। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। माँ वहाँ खान को तो खूब मिले पर वहाँ मेहनत भी तो बहुत करनी पड़े। अरे एक बात तो बता, ये दोनों कौन है? ये मेरे दोस्त हैं। फौज में ही है ये दोनों? नहीं नहीं, वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर तुम एक बात बताओ, ये सब क्या हो रहा है? बेटा ये शादी हो रही है। शादी? पर किसकी? गीता की। गीता? कौन गीता? आओ बेटा तुम्हें गीता से मिलवाती हूँ, चलो अंदर आओ। गीता? अमर? मैं तो तेरे घर भी गया था पर तू मुझे वहां भी नहीं मिली, और तेरे घर को ने भी मुझे नु कह दिया कि वो तो घर छोड़ के चली गई। नहीं, मैं घर छोड़ के नहीं गई थी। जब उनको मेरी हालत के बारे में पता चला ना, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी एक भी नहीं सुनी। मैंने थारे घर पता नहीं कितनी बार फोन करा पर उन्होंने मेरा फोन एक बार भी नहीं उठाया। पर तू अब रो है ना, देख मैं आ गया ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तू मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यू बालक? ये हमारे प्यार की निशानी है। भाई यो सब के है? यू के बकवास कर रहा तू? पिताजी यह तो थारी बहू है और यो बालक थारा पुत्ता है। अरे के बकवास कर रहा तू यो? पिताजी जिस वेदपाल की जमीन मेरी कंपनी खरीदना चाहे थी ना, या उसी वेदपाल की भतीजी है, और उस जमीन के चक्कर में मेरा इनके घर आना जाना लग गया और मुझे इससे प्यार हो गया पिताजी, पर इसने समाज के डर से मेरे प्यार को ठुकरा दिया। एक दिन मैंने इसी दुख में आके मैंने शराब पी ली पिताजी, और मैं इसके घर चला गया। रात का टाइम था, ताऊ ताई और उसकी लड़की अपनी रिश्तेदारी में कहीं शादी में जा रहे थे, और फिर यो कौन जाला सिर फुड़वा फिर रहा? वे लीले तू कहां सिर फुड़वा फिर रहा है? गीता के घर से ही आया, जरूर गीता नहीं दे रहा सिर फुड़ा होगा। चलो उसने ठीक करा, नहीं तो काम भी मुझे ही करना पड़ता। ये क्या कर रहे हो आप? आप नशे में हो, दरवाजा खोलो। हाँ मैं नशे में हूँ पर फिर भी मैं पूरी तरह होश में हूँ गीता। मैं इतने दिनों से तुझे अपने मन की एक बात कहना चाह रहा पर तू सुनती नहीं है, तू इतनी भोली है मेरी बात समझती नहीं है, पर आज
पर आज मैं तुझे अपने मन की बात कह के ही जाऊंगा। देखो अमर, तुम कल दिन में आ जाना, मैं तुम्हारी सारी बात सुन लूंगी, लेकिन अभी नहीं, तुम अभी चले जाओ। चले जाऊं? तुम मुझे कभी यहां से भगा दे, कभी मेरे से बात नहीं करती, कभी मेरी बात नहीं सुनती। अमर, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी ताऊताई को पता चल गया तो तुम मेरी बदनामी चाहते हो क्या? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ, मेरे ताऊताई के सामने आ जाना। तू हाथ क्यों जोड़ रही है गीता? मैं तेरे ताऊताई के सामने अपनी दिल की बात कहूंगा? नहीं, तू सुन, तुझे मेरे दिल की बात सुननी पड़ेगी। अरे यो तन्ने क्या हाल बना रखा? अमर, तुम अभी यहां से चले जाओ। तो एक बात बता, तू मेरे से प्यार नहीं कर दिए? बता ना, तू एक बार कह दे मैं अभी चला जाऊंगा, सारे जीवन तुझे अपना मुंह नहीं दिखाने का। बता ना गीता, तू मेरे से प्यार करे कि नहीं? बस तो फिर तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये अमर तेरे से ही प्यार करे और शादी भी तेरे से ही करे। मुझे माफ कर दे, मेरे से नशे में बहुत बड़ी गलती होगी, पर तुम मुझे धोखा मत दे देना, नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तू कैसी बात कर रही है? मेरा सच्चा प्यार है, मेरा विश्वास रख, मैं जान दे दूंगा, सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा, पर तुझे कभी नहीं छोड़ने का। पर अब मुझे चलना पड़ेगा। कहां? मैंने तुझे बताया था ना, मेरी फौज की ट्रेनिंग है, आज मैं घर जाऊंगा और कल मुझे ट्रेन पकड़नी है। लेकिन तू रो क्यों रही है? मुझे जाना पड़ेगा, मैं चलूंगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, अम्मा और तुझे ब्याह के ले जाऊंगा। चल अब मुस्कुरा दे, मुझे ऐसे आंसू होगी साथ विदा करेगी क्या? चल मुस्कुरा देना अब। ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखिए। बेटा, हमारी तो एक बहुत बड़ी भूल होगी। क्या भूल होगी माँ? बेटा, हमें तो किसी बात का पता ही नहीं था। अरे मैं तो गीता को चोट लगने के बाद और इसकी प्रेगनेंसी में विक्की के ही अस्पताल में लेके गया, और विक्की को इसके बारे में एक एक बात का पता चला,
ये भी पता चला इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, ये अकेली है दुनिया में। उसने इसे और इसके बच्चे को अपनाने की बात कही। गीता तो मना करती रही, रोती रही। मैंने इसे कसम धर्म दे के शादी के लिए तैयार किया और आज विक्की के साथ इसकी शादी की यहाँ तैयारी चल रही है। विक्की, जब तैयारी चल रही है तो शादी तो होगी, लेकिन दो प्यार करने वालों की। पर विक्की तू तो नहीं। अंकल जी मैंने सब सुन लिया है, मैं किसी और के प्यार के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। मैं दो प्यार करने वालों की खुशियों को रौंद कर अपने घर में खुशियां कैसे भर सकता हूँ। विक्की, अमर तू मेरा छोटा भाई है रे, मैं तेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। शादी तो होगी लेकिन दूल्हा थोड़ा ज्यादा हैंडसम होगा, मेरा छोटा भाई। थैंक यू भाई, तेरा दिल बहुत बड़ा है। अरे प्यार करने वालों से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान ने तुम्हें जुदा किया और सही समय पे मिला भी दिया। मुझे भी पाप करने से बचा लिया। विक्की बेटा तू इंसान के रूप में देवता है, देवता। अरे अंकल जी चलो मंडप पे चलते हैं। चलो शुभ मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। अब तो खुश है गीता को बहू के रूप में पाके। हाँ जी इतना कितनी खुश हो। बस खुश रखिए उसे। अरे आओ बच्चों आओ, आओ जीते रहो जीते रहो जीता रहो बेटा। मैं तो गीता जैसी बहू चाहूंगा, मुझे क्या पता था मारी बहू हमारे ही घर में है। अब तो तुम्हें सब पता चल गया। हमें कैसे भूल गए। अरे नहीं भाई आओ, भाई आओ तुम्हें कैसे भूल जाएंगे। अरे विक्की बेटा या बेटा तू दूर क्यों है, तू भी हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा है और तेरे लिए गीता जैसी बहू ही लेके आऊंगा मैं, मेरा वायदा है। अरे फोटोग्राफर फोटो ले ले फोटो। प्रेम जगत में हिट पावेगी बलमा जोड़ी मारी, तेरे नाम ते शुरू खत्म तेरे पे जिंदगी सारी। हाँ तेरे नाम ते शुरू खत्म तेरे पे जिंदगी सारी, तेरे पे जिंदगी सारी। जब लाडो लाडो रखे मैं तो भूल जा घर बार, लाडो लाडो रखे मैं तो भूल जा घर बार, भूल जा घर बार। सोने चांदी से जमा फैल तू ठाडो राखी रे प्यार, सोने चांदी से जमा फैल तू ठाडो राखी रे प्यार। हो रंगा पड़ा सुमर जानी मैं तेरे इश्क के रंग में, कृष्ण दाई माना के चाहिए मिलगी तू संग में। हाँ कृष्ण दाई माना